हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। और उससे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने 4 कार्ड रखे हैं गाइस। आज आपको अपना यानी कि आपका खुद का जोडिक साइन चूज करना है, उसके बाद रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पिंक कलर का कार्ड है जो कि एरिस लियो सेजिटेरियस है। दूसरा टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सॉरी ग्रीन कलर का कार्ड है। और थर्ड है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस येलो कलर का कार्ड, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ब्राउन कलर का कार्ड है। तो जिस जिस कार्ड में भी आपका साइन हो वो चूज कीजिए आप, ठीक है। तो मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स भी बताऊंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट 10 डेज के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल वन से। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल वन चुना था एरिस लियो सेजिटेरियस, अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको ये देख लेते हैं। आपके लिए क्या फीलिंग्स है, करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए वो हम चेक करने वाले हैं। तो स्पिरिट से हम पूछेंगे सब कुछ और नेक्स्ट 10 डेज के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो ऑलरेडी शफल कर लेते हैं गाइस। जब तक आप क्या आपको क्या करना है, आपको इष्ट देव को याद करना है, यानी कि जिनकी आप पूजा करते हैं आराधना करते हैं उनको याद कीजिए, और फिर उस पार्टनर का चेहरा याद कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, और एक जनरल रीडिंग होगी गाइस, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम करंट एनर्जीज चेक करते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर एरिज लियो सेजिटेरियस हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं करंटली, उनके क्या फील कर रहे हैं करंटली। ओके, शफलिंग हो चुकी है गाइस, देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वाओ, जजमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्स। तो गाइज यहाँ पे ओके बॉटम में देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल जो उनकी सोच है ना गाइज, यहाँ पे देखिए अगर आपके पार्टनर हो सकता है लिब्रा हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं, और एरिज लियो सेजिटेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन ये जो पार्टनर है ना, इनको कुछ मतलब इनको कुछ ऐसा माइंड में आ रहा है कि इनको कुछ वेकअप कॉल रियलाइजेशन हो रहा है किसी बात का आपको लेके, यानी कि आपके लिए कुछ इनको फील हो रहा है, बहुत कुछ मन में फील हो रहा है और रियलाइजेशन हो रहा है आपके लिए। कुछ बात इनको पता चली है, हो सकता है कि आपका कोई सीक्रेट है या आपके प्रति उनको अब तक जो गलत फहमियाँ थी उसको लेके कुछ क्लियरिटी मिली है, कुछ ऐसी बात है जो उनको किसी ने कहा है, कुछ बात की क्लियरिटी मुझे यहाँ पे लगने लगी है। उनको समझ आने लगा है कि आप उनकी ज़िंदगी के वो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं जो अब तक वो कमा नहीं पाए हैं। गाइज यहाँ पे देखिए 2 कार्ड मिलके बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसा फील होता है आपके बारे में। ये रिसेंट करंट फीलिंग्स बता रही हूँ गाइज, में उनके थाट्स में बातें चल रही है कि आप उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आपके साथ उनकी हैप्पी फैमिली है। उनको रियलाइज होने लगा है कि आप ही वो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं जिनके बारे में वो अब तक सोचते थे। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप हैं, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है गाइस एक हैप्पी फैमिली, यानी कि घर बार, बीवी बच्चे, बाल बच्चे तक ये आपके लिए सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनकी खुशी आपके साथ है। गाइस यहाँ पे ये जो पार्टनर हैं आपकी जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील होने लगा है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो उनका परिवार पूरा होता है, आपसे ही इनकी लाइफ पूरी होती है, यानी कि इनका घर जो पूरा होता है वो आपसे ही पूरा होता है। ये इनको रियलाइजेशन होने लगा है, ये किसी ने कुछ क्लियरिटी आपके बारे में दी है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप इनको कुछ रियलाइजेशन आपको गलत समझ के हुआ है, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, और कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होने लगा है कि अब आपसे कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट या कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर आपको कहना ही पड़ेगा या ऑफर देना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि कुछ लिमिटेशंस इन्होंने रख रखी है अपने आप में, यानी कि ये काम करेंगे, ये आपको देंगे कमिटमेंट, लेकिन कुछ लिमिट्स है, यानी कि इनको लगता है कि कुछ ना कुछ जो इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में वो सॉल्व हो जाएं, उसके बाद आपके पास आएंगे और कुछ कहेंगे जरूर। और ये कहना बिल्कुल मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, यानी कि हैप्पी फैमिली चाहते हैं। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड ही कहते हैं, ये मैच्योरिटी के साथ आना चाहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है गाइस जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट देने वाला होता है, यानी कि बहुत ही अर्थ एनर्जी होती है, यानी कि पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एनर्जी होती है, यानी कि अपनी लाइफ में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होते, जो काम करना है उसको स्टेबिलिटी के साथ करते हैं, यानी कि
अगर आपके साथ इनका रिलेशन होना है या ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने, तो डेफिनेटली आपके साथ मैरिज तक आप इसकी बात अपनी बात को ले जाएंगे। यानी कि आपके साथ अगर छोटा कमिटमेंट है तो उसको एंगेजमेंट तक, एंगेजमेंट हो चुकी है तो उसको मैरिज तक ले जाना इनकी खासियत होती है। यानी कि इनकी जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है वो बहुत ग्राउंडेड होती है। जो भी आपको मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा। इनका जो प्यार होता है वो डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं इनका प्यार में ये होता है कि ट्रस्ट ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट वाली बात होती है, कि स्टेबिलिटी वाली बात होती है। देखिए बर्ड का कार्ड अगेन आ गया, तो ये भी ये बात कहता है कि आपके साथ ये अपनी एक नए साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि इनकी दुनिया बदल देगा। एक नया साइकिल स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं आपके साथ यात्रा भी इनकी हो सकती है कुछ दिनों में। ये करंट फीलिंग तो हो सकता है कि आप डेट पे जाएं इनके साथ, या आपको अपने साथ रखने जाने चाहते हैं, या कहीं घुमाना चाहते हैं आपकी, ये भी हो सकता है। तो ये करंट फीलिंग्स है, इनके थॉट्स में ये बातें चल रही है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। यूनिवर्स हमें बताएंगे कि जो एरीज लियो सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट 10 डेज में इनकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये तो इनके थॉट्स देखिएगा इस समय। अब देखते हैं कि 10 डेज में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये कार्ड आने को है, बार बार आ रहा है, ले लेते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ ओके, दो कार्ड फिर भी आए हैं। ओके ओके गाइज, मेरी शफलिंग हो गई है। चलिए हम इधर ये करंट फीलिंग्स इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा कार्ड शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। चलिए वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके गाइज, तो नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है, नीचे देखिए डेथ। ओवरऑल इनकी एनर्जी डेथ है, यानी कि ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी जो करंट एनर्जीज में इनके थॉट्स भी ये बता रहे हैं कि आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, नो कॉन्टेक्ट है, और बिल्कुल किसी ने किसी को तो आपने छोड़ ही दिया है, ऐसी सिचुएशन होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि करंटली जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ कि ये अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बचा के रख रही है। कुछ ना कुछ आपके आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ है कि आप एक दूसरे पे भरोसा थोड़ा खोते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, और आप भी उन पे ट्रस्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं किसी का दिल किसी ने तोड़ा है। डेफिनेटली आपके बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है मुझे लगता है, या फिर कोई ऐसा इशू है, यानी कि थर्ड पार्टी को लेके कोई ट्रस्ट इश्यूज है। यानी कि आपके साथ कोई नहीं है फिर भी कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में बिना बात ही थर्ड पार्टी बना हुआ है, ये भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे दोनों में से कोई, ये दोनों के एनर्जी वाइज यहाँ पे 10 डेज में देखने वाले हैं क्या होने वाले, दोनों में से कोई भी, ये वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की थॉट, ये अपने आप देख लीजिएगा गाइज। तो आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं गाइज, है ना। तो दोनों दोनों यहाँ पे दोनों की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों का दिल दुखा हुआ है। मुझे लगता है कि आप दोनों में से एक ने किसी को धोखा दिया है, ऐसा लग रहा है किसी को, यानी कि कुछ किसी ने किसी को धोखा दिया है, ऐसा कुछ माजरा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और थर्ड पार्टी को लेके लग रहा है गाइज। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स, द मून, और 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस स्पेशल है हमारे पास, और एज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सारे साइंस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो गाइज सारी साइंस है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो भी मुझे बहुत अच्छी तरह प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके, तो गाइज आपके पार्टनर को या आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया, दोनों में बातचीत नहीं हो रही, दोनों को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए किसी थर्ड पार्टी को लेके, और जरूर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में आया हुआ है, मतलब ना चाह के भी उनको, यानी कि आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज, यानी कि आपको अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं है और कोई किसी पे आप शक करें, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं, उनको लगता है कि अब मेरी दुनिया में कुछ नहीं रहा। जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज मैं बता रही हूँ,
ये हो सकता है आपकी भी एनर्जी है। तो गाइज उनको लग रहा है कि आप मेरी दुनिया में कुछ नहीं रहा और बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको ऑफर तो देना चाहते हैं लेकिन आपके ट्रस्ट को परखना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं लेकिन वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। मुझे यहाँ पे दोनों में से एक की एनर्जी ये लग रही है कि आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि आप उनको सही सही बताएं, जो भी बात है उनको सही सही बताएं। उनका दिल तोड़ने का कोई मतलब नहीं था, जो भी बातें थी बैठ के सॉल्व हो सकती थी, उनको ये लगता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपको फीलिंग्स नहीं बताएंगे, वो जो सोच रहे हैं वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको आगे से होके बताएं। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, आप उनको बहुत नर्चर करते हैं, ये सारी बातें वो जानते हैं। कहीं ना कहीं उनका आपका प्यार भी मिस करे, बहुत ज़्यादा मिस करेगा ये, लेकिन उनको लगता है कि जब तक बातचीत क्लियर नहीं होगी वो कुछ नहीं बोल सकते। मून की एनर्जी आई, कहीं बहुत इल्यूजन बना रखे हैं, यानी कि बहुत ही अपने दिमाग में उल्टे सीधे सोच आ रहे हैं उनके, और कहीं ना कहीं ये जो दिमाग में जो उल्टे सीधे सोच है ना, ये सिर्फ उनका वहम है गाइज। यहाँ पे अगर बातें आपसे होगी तो बिल्कुल क्लियरिटी आप दोनों को मिलेगी। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है, यानी कि जो प्यार मेरे व्यूअर ने दिया है, उनका वो पेशेंटली वेट करना चाहती है, या उन्होंने आपको जो प्यार दिया है या जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में वो प्यार जो देखना चाहते थे, वो उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आपका क्या रिजल्ट होगा। कोई थर्ड पार्टी तो बेशक आपको लगता है कि अगर आपको छोड़ना है तो बिल्कुल क्लियरली बताए, अदरवाइज नहीं, ऐसे मुझे ही लग रही है। क्योंकि ये इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप दोनों मिले हैं तो किसी पर्पज से मिले हैं, इनको ये लगता है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ के आपको इनके पास आना चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा, अभी नेक्स्ट 10 डेज में यही सोच रहे हैं गाइज, ये सारी बातें सोच रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज में एक तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, दूसरी बात ये है कि आपके रिश्ते को खोना नहीं चाहते, यानी कि आपको खोना नहीं चाहते लेकिन आपको परखेंगे गाइज। यहाँ पे एक जो होता है ना टेस्ट, आपके लिए टेस्ट रखा जाएगा, और हो सकता है कि अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो आप बिल्कुल इनके सोलमेट के मुताबिक होंगे, यानी कि ये चाहते हैं कि आपको आपके ऊपर टेस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं आपसे बातचीत जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं खुद होके पहल करेंगे, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे, डेफिनेटली बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं आपको लेकिन किस कुछ डर भी इनके मन में होंगे, क्योंकि इनको खोने का डर है। यहाँ हालांकि आप ऊपर से दिखाएंगे नहीं, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं, लेकिन कुछ डर इनके मन में बैठे हैं जो इनको अंदर ही अंदर कहेंगे कि मैं इनको कॉल करूँ या नहीं करूँ, सच्ची बात बताऊँ कि नहीं बताऊँ। यानी कि अगर इनको थर्ड पार्टी के बारे में कोई इल्यूजन्स है या फिर कोई इन्होंने शक पैदा किया है अपने मन में, तो उसकी क्लैरिटी आपसे चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं बोल पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो अब जो होगा रिजल्ट उसका पेशेंटली वेट करेंगे, यानी कि आपकी तरफ से कोई हिंट चाहते हैं, यानी कि आप उनको आगे होके बताएं। मेरे एरिज लियो सजिटेरियस, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको आगे होके सच्चाई बताएं, ये मैं कहना चाहती हूँ। और फोर ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको रिजेक्शन का भी डर है, हो सकता है कि आपको अपनी जो फाइनेंस और करियर को लेके कुछ इश्यूज हों, तो उसको लेके आपको डर है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके पार्टनर हैं कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दें, ये भी उनको लगता है कहीं ना कहीं। ये गाइज यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सैड कार्ड है जो मुझे यहाँ बता रहे हैं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं ये है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते लेकिन आप पे कुछ शक उनको हो चुका है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो 10 दिनों में क्या होने वाला है गाइज, ये अपने आप में बदलाव लाएंगे, हो सकता है आपसे इनको क्लियरिटी मिले। ये इनकी ओवरऑल एनर्जी आई है डेथ की आई, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सच्चाई है वो बता के रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर किसी को छोड़ना है पड़ेगा तो छोड़ देंगे, अगर आपको आपको पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, अगर आप शक करें तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे और इनके पास आएंगे। डेफिनेटली एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। देखिए गाइस यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो आपके पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, जब तक आप इनको क्लैरिटी नहीं देंगे इनमें बदलाव नहीं आएगा। शायद हो सकता है कि मुझे लगता है 10 डेज में आपके साथ कोई ना कुछ कम्युनिकेशन ही करेंगे जिससे बातें क्लियर होगी और बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आएगा। जो तो आपके रिश्ते में कोई दिल टूटा है या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, इमोशंस इमोशंस दोनों के गायब हो चुके हैं, वो इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं इनका प्यार देखने को मिलेंगे और कुछ ना कुछ आपको क्लियरिटी जरूर मिलेगी गाइस। यहाँ पे मुझे 10 डेज में ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये वाले मेरे पास ये जो 10 डेज की एनर्जी गाइस ये है, आप देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैसेजेस में देखना चाहूंगी, एक मिनट, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं रेंडमली यस निकाल लेती हूँ गाइस, 5 मैसेज देखेंगे, ओनली 5। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। फर्स्ट वी हैव आई लाइक योर आइज। ओके तो आपको आइज
आपके आइज बहुत पसंद है इनको, और दूसरा वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि मेरा वेट करिए, ट्रस्ट करिए मुझ पर, ये भी है। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, और कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है, और एक ही ब्लैंक कार्ड आया, इसकी जगह हम दूसरा कोई लेते हैं गाइस। ओके चलिए, ये भी ब्लैंक क्या हो रहा है गाइस, चलिए हमें ये ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, तो कुछ क्लैरिटी मांग रहे गाइस, मुझे लगता है कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और ये कह के रहेंगे, अगर इनमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको लेके, तो डेफिनेटली उस बात को क्लियर करते नजर आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग गाइज, आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलती हूँ पहले सेकेंड में। ओके ओके गाइज, तो जिन्होंने, अगर आपका साइन अगर टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न है, तो आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं और नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है देखने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, करंट एनर्जी देख लेते हैं पहले। मैंने ऑलरेडी इनको शफल कर लिया था गाइज, और कर लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं कि टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी, करंट एनर्जीज बताइए, क्या फील कर रहे हैं, क्या थाट्स हैं उनके, क्या फील कर रहे हैं मेरे पार्टनर के लिए। ओके शफलिंग हो चुकी है, चलिए देखते हैं। वाओ द फूल, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस बॉटम में देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ गाइस, तो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और लियो हो सकते हैं, आपके पार्टनर का ये साइन हो सकता है। आपका तो साइन ये होगा ही होगा, लेकिन आपके पार्टनर का एक्वेरियस, एरीज, लियो और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये दिख रहे हैं मुझे गाइज। ओके तो यहाँ पे उनके करंट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट किया जाए। इनको पता है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा खाई में गिरने जैसी नौबत है, लेकिन ये एक रिस्क आपके साथ लेना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा इनर जो स्ट्रेंथ होती है ना आदमी में, मैं जैसे फिजिकल उसकी नहीं कह रही, मैं बात अंदर जो आत्मा कहती है ना कि अब तो मुझे कुछ करना ही है, वो वाली मुझे हिम्मत दिख रही है उनमें, और ये हिम्मत ये लाएंगे अपने आप में गाइस। करंटली ये सोच रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रिस्क लूँ, क्योंकि वो लगता है कि मैंने बहुत काम किया है गाइस। ये तीनों कार्ड देखिए गाइस, आपसे किसी बात के लिए सॉरी भी मांगे, लेकिन पहले इन दो कार्ड की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये जो पर्सन है ना आपके, ये सोच रहे हैं कि मैं दिन रात काम करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन बहुत कुछ किया है मैंने, लेकिन प्यार किससे मिलता है, सिर्फ आपसे। यानी कि बहुत से लोगों में उठते बैठते होंगे, बहुत से लोगों के बीच रहते होंगे, फैमिली मेम्बर्स के बीच में रहते होंगे, लोग कुछ भी कहते होंगे इनके बारे में, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो तो आप हैं। यानी कि जो प्यार है वो असली प्यार है, जो अपनापन है वो आप में फील करते हैं गाइस, और इसीलिए इनको लगता है कि मैं क्यों ना इस रिलेशनशिप को लेके एक रिस्क लूँ। होगा जो देखा जाएगा, जो भी आपकी सिचुएशन है, मैं नहीं जानती क्या सिचुएशन है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो एक रिस्क लेके देखा जाए कि रिलेशनशिप में आगे क्या होना चाहिए, क्या घर वाले मान जाएंगे, क्या उसके घर वाले मान जाएंगे। कुछ ऐसा है जो कि बहुत इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फूल का कार्ड गाइज ये है कि एक चैलेंज आता है आदमी के पास, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और उनको ओवरकम करने के लिए उसमें एक स्ट्रेंथ आना जरूरी होता है, और फिर वो फूल की एनर्जी में आता है। यानी कि एक रिस्क जो लेते हैं ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिस्क का मतलब होता है कि कुछ भी जो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, वो चीज़ उनमें देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पे। आपके जो पार्टनर हैं उन तीन कार्ड से मुझे पता लग रहा है, एक तो आपको सॉरी कहना चाहते हैं किसी बात के लिए, एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, कुछ छोटा गिफ्ट हो सकता है, गिफ्ट मिलने वाला है कुछ दिनों में, उनको लगता है कि आपको कुछ गिफ्ट दिया जाए और मनाया जाए, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो। बातचीत तो मुझे होती दिख रही है गाइस, यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की बात सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। उनमें एक स्ट्रेंथ जो होती है ना कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, इस रिलेशनशिप को एक रिस्क लेके देखना ही है, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है बॉटम में आया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका प्यार इनको देखने को मिले, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं, जितनी अपनी लाइफ में ये जो लाइफ जी रहे हैं ना, उसमें लगता है कि आपकी कमी है, अगर आप आ जाओगे तो ये पूरे हो जाएंगे, यानी कि इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इनका जीवन सफल हो जाएगा, इस तरह का मैं बोल सकती हूँ। यानी कि आपको आपके प्यार का या आपके आप जो इनको प्यार देते हो उसका इनको वेट है, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और इसीलिए इस कनेक्शन के लिए चाहे कितनी हर्डल्स हो ये एक रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी बता दी गाइस,
आप देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज यानी कि अप्रैल को जो दिन थोड़े से बचे हैं ना अप्रैल के, उनमें क्या होने वाला है। यूनिवर्स हमें बताएंगे कि टॉरस मून के कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट 10 डेज में क्या करने वाले हैं रिलेशनशिप में। बताइए हमें नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी है उनकी, क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, ये कार्ड आने को है तो मैं सबसे पहले ये लूँगी। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए देखते हैं गाइस और क्या कार्ड आते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, थोड़े से कार्ड और लेंगे, 10 डेज का देख रही हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में देखिए सिक्स ऑफ वैंड्स, इसका मतलब जानते हैं गाइस, इसके दो मतलब होते हैं। ये ओवरऑल एनर्जी निकली है इनकी 10 डेज में, ये आपके पास बैंड बाजा बारात के साथ आने चाहते हैं, यानी कि गाइज यहाँ आपके आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके घर इनकी बारात आए, या अगर आप ये लड़की देख रहे हैं तो इनके घर आपकी बारात आए, ये ऐसा सोच रहे हैं। डेफिनेटली इनकी जो 10 डेज में इनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं गाइज। आप देख रहे हैं ये कार्ड जो है एक तरह से ऐसे लगता है कि बारात जा रही है, तो डेफिनेटली आपके साथ यही सोच रहे हैं गाइज। 10 डेज में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे 10 डेज में पहले मैं साइन बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास स्कॉर्पियो स्पेशल है, हमारे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज लियो सजिटेरियस है हमारे पास, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है। और मैंने पहले बताया गाइज यहाँ पे फूल और स्ट्रेंथ का कार्ड है एरीज लियो सजिटेरियस, और एक्वेरियस और लियो स्पेशल है यहाँ पे, और सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे सारे साइंस है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहले कार्ड ही हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है गाइज, ये व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आप इनके भाग्य में हैं, ये ऐसा सोचते हैं गाइज। यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया था और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो गाइज यहाँ करंटली तो ये ऐसा सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया करंट एनर्जी मैंने बता दी आपको, लेकिन 10 डेज में इनको लगेगा कि आप इनके भाग्य में, कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई इनका लक जुड़ा हुआ है जिससे आप इनकी दुनिया में आए हैं, या इनकी ज़िंदगी में आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि आप इस जन्म में भी आपको पूरा करना है, कुछ ऐसा बचा कुचा रह गया है पास्ट लाइफ में जो कि आप इनको पूरा करना है। देखिए सिक्स ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे है, ये दो कार्ड मुझे ये श्योरिटी दे रहे हैं कि ये अपने भाग्य में आपका होना मानते हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं आपसे कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो कि इस जन्म में जो अधूरा रह गया था और इस जन्म में पूरा करना है, यानी कि आपके साथ कुछ ना कुछ बचा कुचा है जो पूरा करना है पास्ट लाइफ का, और ये बहुत ही पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये जो कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहता है कि आपके साथ इनका होना एक भाग्य को दर्शाता है, यानी कि आप इनके सौभाग्य में, यानी कि आपसे इनको ना सिर्फ एक भाग्य का जुड़ाव महसूस होता है बल्कि इनको लगता है कि आपके आपके साथ आपका जो साथ है ना वो इनके भाग्य को चमका देगा, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है। दूसरा कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स का है गाइज, एस ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स गाइज, यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे दिख रही है जैसे ये कार्ड बताता है थर्ड पार्टी को, और ये कार्ड भी थर्ड पार्टी को बताता है, और ये देखिए डेथ कार्ड भी यही बताता है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपकी मैरिड, मुझे लगता है कि कोई ऐसी वुमेन इनकी लाइफ में है या मैन भी हो सकता है, तो कोई अगर इनका कार्मिक पार्टनर है कोई, तो उसको छोड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली चार कार्ड ये बताते हैं कि आपको इस बात की क्लियरिटी देंगे। देखिए डेथ का सबसे पहले ये कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जो कि इन पे दबाव डालता है, ना चाह के भी इसकी जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ती है। ये मैन भी हो सकता है, ये सिर्फ एनर्जी गाइज, ये मैन भी हो सकता है वुमेन भी हो सकता है, तो कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है जो कि इन पे दबाव डालता है, चाह कर भी इनके काम या इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको संभालनी पड़ती है, ये थर्ड पार्टी को दर्शाता है गाइज। ये इन लोगों की बातें सुन सुन के बहुत कुछ सुन चुके हैं और अब ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, किसी से सलाह भी ले रहे हैं आपके कनेक्शन में क्या करना चाहिए, कोई लीगल एडवाइज़र हो सकता है या कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे ट्रस्ट करते हैं उससे सलाह ले रहे हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। ज़रूर ये कि आपसे सलाह लेके इस पार्टनर को या जो भी पर्सन है जो दबाव डाले हुए हैं या फिर इनको चाहकर भी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, इनको कार्मिक कनेक्शन है किसी के तो उससे छोड़ना चाहते हैं। डेथ का कार्ड ही कहता है कि किसी को छोड़ना है और आगे एक नई शुरुआत करनी है, और आपको इस बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये कार्ड ही कहता है कि आपको ये सब बातें बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं डेफिनेटली।
देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है, ये एक वॉरियर की तरह होता है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए वो फाइट करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने जो दिया है ना, ये अपने कनेक्शन में इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, या आपने बहुत कुछ कर लिया। अभी कनेक्शन में बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं जब ये आपको सब कुछ बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था हमारे पास। ये कार्ड ये होता है कि एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ। तो उसका पेशेंटली वेट करें, किसी राइट टाइम का वेट करें। ये देखिए दो कार्ड, ये वाले कार्ड ये कहते हैं कि आपके साथ एक, ये 10 डेज में डेफिनेटली आपको उनके एक्शन इस तरह के मिलेंगे कि आपके आपके साथ लव फील करेंगे, आपके पास स्लो एनर्जी में आएंगे गाइज। ये बहुत जल्द होंगे नहीं, ये सारे काम बहुत जल्द होने वाले नहीं है गाइज। किसी को छोड़ना, किसी को आगे बढ़ना, ये बहुत जल्द वाले काम नहीं है, लेकिन इनके एक्शन कुछ ऐसे दिखेंगे कि आपके साथ नई शुरुआत, इनका प्यार देखने को मिलेगा आपको। इनके एक्शन में वो प्यार फील करेंगे आप, जो तड़प है इनकी आपको पाने के लिए वो फील करेंगे आप गाइज। डेफिनेटली ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइज, ये आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास फूल का आया था, करंट एनर्जी इनकी थॉट्स में चल रहा है कि मैं कैसे अपनी पावर बढ़ाऊँ, कैसे मेरी स्टेबिलिटी को अपने पास लाऊँ और कहीं आपके पास आऊँ। और ये देखिए बॉटम में भी हमारे पास सिक्स ऑफ बैंड्स का कार्ड, जो कि विक्ट्री का कार्ड होता है। ये अब आपसे कुछ सच बताना चाहते हैं और अपनी जो सच्चाई और छुपा रखी है इन्होंने वो बताना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपसे जो थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी डिस्कशन है, जो जो डिसीजन इन्होंने लिया है, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आया है, वो आपको बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दो दो नई शुरुआत के कारण है, क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आपके पास आएंगे और इनके एक्शन आपको देखने को इसी तरह के मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो ये 10 डेज की एनर्जी हो गई गाइज। अब देख लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस। मैंने 5 मैसेजेस सबके लिए लिए थे, आपके लिए भी 5 लूंगी। ठीक है, एक और ले लेते हैं। चलिए गाइज, क्या मैसेज है, क्योंकि गाइज ये लंबी रीडिंग्स हो जाती है बहुत ज़्यादा मैसेज पढ़ने से। चलिए देखते हैं। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। ओके, तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एक्शन में इनको स्पीचलेस कर देते हैं। ठीक है, तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। ओके, ये जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं और आपको इमेजिन करते हैं, एक्चुअली अपने साथ इमेजिन करते हैं। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज। तो जब भी आपकी आंखों में दिखते हैं ना, इनको लगता है कि मेरी तो पूरी दुनिया तुम्हारी आंखों में है। प्यार भर भर के आता है गाइज, मुझसे शादी करोगी। देखिए गाइज, ये कार्ड आ गया हमारे पास। मैंने क्या कहा था, ये आपसे कमिटमेंट देंगे, आपसे एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ओके, तेरी बातों में भी नशा है। तो आप जब बातें करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कोई, मैं क्या कहूँ, कुछ किसी को बॉटल खोल दी और नशे में आ जाता है वो। उसी तरह का आई थिंक आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें। चलिए हम पाइल 3 की ओर चलते हैं। ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, और इससे रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम थर्ड पाइल में। हे गाइस, तो जिन्होंने येलो कलर का कार्ड चूज़ किया था, यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हो और नेक्स्ट 10 डेज में इनकी क्या एक्शन देखने को मिलेंगे आपको, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए यूनिवर्स हमें बताएं, ऑलरेडी मैंने शफल कर लिया था गाइस, और भी कर लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स बताएं, क्या सोच रहे हैं। We have magician, 10 of swords, strength. Okay guys. तो यहाँ पे आपको 10 of swords देख के डर लग रहा होगा guys. यहाँ पे कोई जो जेमिनी लिब्रा के एक्वेरियस के जो पार्टनर है वो हो सकते हैं जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी अगेन आया है, और स्ट्रेंथ यानी लियो हो सकते हैं। तो गाइज आपके जो पार्टनर जो भी हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली उनका किसी बात से दिल टूटा हुआ है, वो आपसे दूर हैं, इस वजह से आपसे बहुत परेशान हैं। वो उनको रातों को नींद नहीं आती, और कुछ ऐसा है कि उनको चाहकर भी बहुत बहुत कुछ दुखी हो गए हैं, वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ये कार्ड कम्प्लीशन का कार्ड है, यानी कि बहुत दिन हो गए मुझे लगता है कि आप दोनों में बातचीत बहुत कम हो रही है, और होती भी है तो बहुत कम बातचीत होती है। मुझे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है, ये मैजिशियन का कार्ड है गाइस, ये मेजर आर्कन होता है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब वो आपको मैनिफेस्ट करने में लगे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके कनेक्शन में शायद वो, अगर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं भी जानते हो ना, तो उनकी एनर्जी जैसी कि रात दिन आपको याद करते हैं, क्योंकि वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये दर्द उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, यानी कि
जो दुखों का है वो अंत, यानी मैक्सिमम पॉइंट पहुंच चुका है, यानी कि आपसे नहीं मिलने का दर्द जो है ना वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब वो इस दर्द को झेल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है इसके पास। वो अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ लाते हैं आपसे बात करने की, आपको आपसे मिलने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपको यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपसे इनके दुखों का अंत होता है ये मानते हैं। आप इनकी खुशियाँ और कहीं ना कहीं आपको एक मैजिशियन की तरह मानते हैं। अगर आप इनकी दुनिया में होंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसा ये मानते हैं। और कहीं ना कहीं दुखों का अंत करने वाले आप ही हैं। डेफिनेटली जो इनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत प्योर है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि अब आप ही कुछ मैजिक कर सकते हैं जब इनके दुखों का अंत होगा, कि एक स्ट्रेंथ आप ये चाहते हैं कि आप में या अपने आप में एक स्ट्रेंथ लाएं और आपको ये सब बातें बताएं कि आप वो आपसे दूर रह के वो कितने दुखी हैं। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है गाइस। यहाँ पे बॉटम में देखिए पेज ऑफ कप्स, ये जरूर आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास आके आपसे दिल का हाल बताना चाहते हैं। मुझे ये पे लग रहा है, ये एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आपके पास आके दिल का हाल बताएं, ये इनकी ख्वाहिश है। आपसे मिलने की ख्वाहिश मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ये पेन कोई ऐसा नहीं है गाइस, ये बहुत सैड कार्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई सैडनेस पता नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ ये भी पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। ये सिर्फ आपको इससे दूर रहने का गम इनको है और ये कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 10 डेज में। स्पिरिट सभी बताइए नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स सॉरी। ओ बहुत सारे कार्ड आ गए गाइस, यहाँ पे मैं नहीं लूँगी, पहले शफलिंग कर लेती हूँ उसके बाद लूँगी। ठीक है ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स सॉरी, टेम्परेंस, द हेरोफेंट वाओ, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज बॉटम में देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली जो पार्टनर है ना आपके गाइज, यहाँ पे इनको इस इमोशनली बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल एनर्जी इनकी है कि किसी भी कप्स को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इनको प्यार देता है या कोई भी अच्छी बात कहता है तो इनको सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ ये आपसे मिलना चाहते हैं इनकी, मुझे ये लग रहा है ये आपकी एनर्जी। अगर आप भी इनसे कोई और बात करते हैं तो इनको इंटरेस्ट नहीं आता, सिर्फ एक ही बात पर ध्यान है कि आपसे मिलना है, सिर्फ एक ही कप पे ध्यान है कि वो कब कब आया है, यानी कि आपका प्यार कब मिलेगा इनको। ये किसी राइट टाइम का वेट करें। देखिए इसके बाद भी आप देखिए कि ये वर्ड इनके हाथ में है, ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड होता है। आप इनकी दुनिया और कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा, यानी बहुत ज़्यादा कूल्ड हो चुके हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, मतलब हंसी मजाक के इनके गायब हो चुकी है, मतलब इनकी चेहरे से जो मुस्कान होती थी ना वो गायब हो चुकी है कहीं ना कहीं। अब देखिए मैं बताती हूँ 10 डेज में क्या होने वाला है। 10 डेज में गाइज ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा है कि अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे भर भर के लग रही है गाइज, यहाँ पे 2 कार्ड मुझे थर्ड पार्टी को इंडिकेशन दे रहे हैं, 3 कार्ड 4 कार्ड या 5 कार्ड तो ऐसे हैं जो परफेक्टली ये कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो मैरिड है, यानी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं वो मैरिड हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं, क्योंकि दो दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि मैरिज की बात बता रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसको लेके बहुत दुखी है, उनको लगता है यानी कि आप जो मेरे आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आप उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी कि उनके साथ खूब मजे खुशी से रह रहे हो, ये बात उनके ऊपर बर्डन सी बन गई है। लेकिन ये अपनी अपने आप को संभाले हुए, कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनके उनको एक कमिटमेंट दो। ये पार्टनर जो आपको चाहते हैं कि आप इनसे कमिट करें, आपसे आप इनसे खुल के बात करें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अकेला फील करते हैं बहुत ज़्यादा आपके बिना, इनको अकेलापन, जैसे कि मैंने कहा आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके बातें करना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ अपने दिल की बताना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेला फील है। ये अगर किसी थर्ड पार्टी में भी है तो भी ये वहाँ पर भी अकेले हैं, इनको बहुत ज़्यादा अलोन फील हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको किसी बंधन में बांध रखा है, कोई स्टक एनर्जी आपके यहाँ पे है या आपके पर्सन के साथ है, जो कि यानी कि मेरे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, उनको किसी और ने फंसा रखा है, यानी कि बांध रखा है और उससे निकल नहीं सकते। और उनको लगता है कि आपका माइंड जो है वो जगलिंग करता रहता है, यानी कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अच्छी है या ये वाली अच्छी है,
ये दोनों में आप कंफ्यूज हैं, तो वो चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन को आप दूर भगा, जो भी डर है उसको दूर भगा दें, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाएं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं उनको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो किसी से सलाह भी लें, ये वो चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग वो करना चाहते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, वो चाहते हैं कि आप चाहे उन्हें कमिटमेंट नहीं दें लेकिन अपने प्यार का भरोसा जरूर दिलाएं। ये नाइट ऑफ वेंट्स का जो कार्ड है इन एंड आउट एनर्जी बताता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में तो आइए, कभी तो कभी तो आइए, उनसे मिलिए, कुछ कहिए और अपने आप में स्ट्रेंथ लाइए ताकि उनसे बात करें और जो उनके मन में जो दुविधा है या जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। तो 10 डेज में गाइस क्या होने वाला है, तो जो आपके पार्टनर है ना, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पार्टनर है वो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बर्डन उतारेंगे अपने सिर पे से, जो बर्डन है वो उतार देंगे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे। आपको बताना चाहेंगे, अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं है इनका तो जरूर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि वो आपके आपके बगैर कितने अलोन फील करते हैं। ये बात आपको भी हर्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपसे वो कमिटमेंट मांगेंगे कि आपके पास एक कमिटमेंट आने वाला है या आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी जरूर मिलेगी। कमिटमेंट में तो बहुत यहाँ पे इन्हें ना उठा, लेकिन एक मैच्योरिटी के साथ आपके पास आएंगे, मैं ये कहूँगी। और एक जो पर्सन है, कोई भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, उसको उसको कन्फ्यूजन, उसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसकी भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। या कोई मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, उसके बारे में जो कम्युनिकेशन आएगा वो भी बिल्कुल क्लियर आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी आपके दोनों के साथ भी हो सकती है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो आप अगर थर्ड पार्टी में हैं तो आपको आप उनसे कैसे छुटकारा पाएंगे इस बात की, क्योंकि क्लियरिटी आपसे चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपसे करेंगे। तो ये उनकी 10 डेज की एनर्जी गाइस, ये आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देंगे जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, यानी कि मेरे भी जो व्यूअर देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि किस तरह आगे रिलेशनशिप में जाया जाए और इनको खुद को भी क्लियरिटी मिलेगी। आप दोनों मुझे मैरिड लग रहे हैं यहाँ पे। अब जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, मैंने बता दिया 10 डेज में क्या होने वाला है, कुछ कुछ ये आपको क्लियरिटी देने वाले हैं कि क्या करेंगे, रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली आपके जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना माइंड में, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी 10 डेज में, यही होने वाला है। आप देखते हैं कि मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। चलिए गाइस मैसेज निकालते हैं, क्या आते हैं। ओके, बहुत होंगे सबके लिए, मैंने गाइस इतनी कम मैसेज पढ़े थे। ओके, तो सबसे पहले है, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तो ये सॉन्ग था गाइस, तुम्हारा प्यार चाहिए, गॉड इज विद अस इन आवर रिलेशनशिप। ओके, तो कह रहे हैं कि गॉड हमारे साथ है, चिंता मत करो, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो ये आपके साथ बुढ़ापा देखते हैं, यानी कि आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, बूढ़े होना चाहते हैं। और इसी के साथ दो दो जो ब्लैंक आ गए थे गाइस, वो मैं चेंज करके दूसरे ले लूँगी कार्ड्स। ओके ओके, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, किंग और क्वीन। तो आपको किंग और क्वीन और एक और ले लेते हैं। When I see in your name, I feel smiling you. तो जब भी आपका नाम देखते हैं ना कहीं भी, तो इनको स्माइल मुंह पे आ जाती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। अब हम चलते हैं पाइल 4 की तरफ। हे गाइस, तो जिन्होंने कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वो हम देख लेते हैं और नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए मैं शफलिंग कर लेती हूँ। आप अपने स्टूडियो को ऐड कर लीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं नाराज़ हो जाती हूँ। गाइस आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मेरी रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए यूनिवर्स हमें बताएं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी। चलिए देखते हैं, 10 of Swords, टेम्परेंस, डेथ। ओके, यहाँ गाइज यहाँ पे दो मेजर अर्कान है गाइज, किस मुझे लग रहा है यहाँ पे आपसे नो कॉन्टेक्ट है और इनको आपके रिजेक्शन का डर है। ओवरऑल एनर्जी देखिए आप, टेम्परेंस कार्ड आपके जो पार्टनर है उनका साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है और स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, तो सेजिटेरियस भी हो सकता है कोई यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे साइन कुछ भी हो लेकिन रीडिंग आपकी आपको मैच होनी चाहिए गाइज। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनका किसी चीज़ से दिल टूटा हुआ है, वो आपको हील होना चाहते हैं, आपसे बातों को क्लियर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो रिलेशनशिप है उसमें एक बैलेंस लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि भगवान ही कुछ करेगा। और डेथ का कार्ड ये बताता है कि इनमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर करंट फीलिंग ये है कि उनके एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी को छोड़ के आपके पास आया जाए। तो ये करंट फीलिंग्स है गाइज इनकी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा
अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, अब इसको आप ही हील कर सकते हैं, इस तरह का भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और देखते हैं अब 10 डेज में क्या होने वाले हैं। एक्चुअली ये जो कार्ड है ये बता रहे हैं हमें कि इनकी जो भावना है वो ये है कि बैलेंस लाया जाए आपके साथ, जीवन में बैलेंस चाहते हैं ये, और कहीं ना कहीं इनमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन बेशक आ रहा है, और ये बदलाव आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, अपने आप को बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं आपके लिए, और आपके दुखों का अंत यही करेंगे भाई। चलिए देख लेते हैं 10 डेज में क्या होने वाला है। जस्ट जजमेंट, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ द वर्ल्ड, वाओ गाइस क्या कहा है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन और सिक्स ऑफ कप्स। ओके गाइज, मैं बताती हूँ आपको क्या होने वाला है 10 डेज में, बहुत कुछ बदलने वाला है गाइज। यहाँ पे किसी का दिल टूटा है, यानी कि आपके पार्टनर का दिल दुखा है किसी बात से, आपने दुखाए हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन हो गया है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, आपके आपको वो प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ गलत किया है उन्होंने, ये उनको रियलाइज हो गया है। ये जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि किसी बात का उनको वेकअप कॉल आया है, यानी कि आपको जो दर्द दिया है उसका वेकअप कॉल उनको आ चुका है, यानी कि उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आपको बहुत दुख दिया है। वो भी टेम्परेंस चाहते हैं, यानी कि बैलेंस चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका प्यार आपके लिए सच्चा है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है नेक्स्ट 10 डेज में वो कुछ ना कुछ भाग्य जागेगा और आपके साथ कहीं ना कहीं डेट पे जाने वाले हैं, डेफिनेटली आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रहा है, अनबैलेंस साइकिल है, उसको पूरा करना चाहते हैं और बैलेंस जिंदगी चाहते हैं, इसीलिए एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करेंगे। ये दोनों मेजर आर्काना जब साथ आते हैं तो गाइस इसका मतलब ये है कि आपसे जो प्यार है उसका इजहार करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नया साइकिल शुरू होने वाला है इनका, और भाग्य में आप हैं ये सोचते हैं, आप इनके भाग्य में ये ऐसा सोचते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको अंत करने वाले हैं। देख लीजिए ये दोनों कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, तो किसी से राय ले रहे हैं उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स इन पे कोई दबाव डालता है किसी बात को, बहुत ज़्यादा दबाव है इन पे काम को करने का, बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी निकल जाए। और देखिए यहाँ पे द हैंगमैन कहता है कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ चाहकर भी आपके बारे में कुछ नहीं सोच पाते, और कुछ काम जब एक्शन की बारी आती है तो कुछ भी नहीं कर पाते, वो सोचते बहुत हैं आपके बारे में लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, उनको लगता है कि आप ही वो पार्टनर है। तो नेक्स्ट 10 डेज में उनको ये रियलाइजेशन होगा कि आप ही उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, आप ही वो पार्टनर है जो उनकी ज़िंदगी भर साथ रह सकते हैं, इसके लिए आप, इसीलिए वो आपसे ये हैंगमैन की पोजिशन से आउट होके आपको एक नए साइकिल में जाने के लिए कहेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहेंगे, कहीं ना कहीं डेट पे ले जाके आपके साथ मिलना जरूर होगा गाइज। यहाँ पे कोई कमिटमेंट या मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बातों की क्लैरिटी जरूर मिलेगी। देखिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जो भी कुछ छुपाया हुआ था इन्होंने उसको रिवील करेंगे, अपनी सच्चाई बताएंगे और आपके साथ एक नया जीवन शुरू करने की शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली रेडी होंगे। कुछ ना कुछ कॉल या मैसेज आपके पास जरूर आने वाला है 10 डेज में, बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो अब इनके द्वारा कुछ मैसेज देख लेते हैं हम। चलिए फर्स्ट है राइट पाथ, तो इनको लगता है कि आपके साथ अगर रास्ते पे चलेंगे तो बिल्कुल राइट पाथ है। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, ये सॉन्ग है गाइस। आइए देख लेते हैं एक और, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान, तो ऐसे कह रहे हैं आपको। एक और देख लेते हैं, तू एक कदम चल मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ, ओके। और लास्ट है आई लाइक योर लिप्स, ओके। तो ये थे रीडिंग गाइस, आपको कुछ भी पसंद होता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।